हाउडी मोदी। चलिए जान लेते हैं ऐसी बातें इस शो के बारे में जिस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे राज है जिसे हमें जानना चाहिए। देखते रहिए डियर जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी। आज हम देखेंगे हाउडी मोदी शो के बारे में बहुत ही अहम जानकारी। लेकिन उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक नजर यहां भी डाल देते हैं। हाउडी मोदी, ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मेगा शो किया, मेगा इवेंट किया, उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक ही मंच पर 50,000 की भीड़, स्टेडियम में 50,000 की भीड़ और शायद 15,000-20,000 लोग बाहर खड़े थे जो जायंट स्क्रीन के ऊपर ये शो देख रहे थे। और मोदी जी ने हिंदी और इंग्लिश में भाषण किया। आप सिर्फ देख सकते हैं कि कितना बड़ा जनसमुदाय है और विश्व के 28.8% लोग इस शो को लाइव देख रहे थे, लाइव। अरे, फीफा वर्ल्ड कप में भी इतने ज़्यादा तादाद में लोग कभी लाइव इवेंट नहीं देखते। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मेगा इवेंट था। इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इन लोगों के मुंह देखिए सिर्फ, जस्ट चेक कि जो सीनेटर्स वहाँ पे बैठे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप, आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे एक अमेजिंग थिंग जैसे हम देखते हैं, एक आश्चर्य था। क्योंकि अमेरिका के पॉलिटिशियंस जब कोई भी रैली करते हैं या कोई भी सभा लेते हैं, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ कभी इकट्ठा नहीं होती, कभी इकट्ठा हुई भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस क्राउड ने तो माइकल जैक्सन के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। ये मोदी जी का तीसरी अमेरिका दौरा है और उसके यहाँ पे ह्यूस्टन में ये जो एक बहुत बड़ी रैली नहीं कहेंगे, एक सभा ली थी उन्होंने, 50,000 से भी ज़्यादा लोग इस सभा में मौजूद थे। और जो लाइव इवेंट जो हुआ, लाइव भाषण जो मोदी जी ने किए, उसको वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। 28.8 लोगों ने, वर्ल्ड के पॉपुलेशन ने इस शो को लाइव देखा। अब आपने भी इस शो को देखा होगा, तो क्या आपके समझ में आ रहा है कि ये सभा कैसी थी और ये जो मेगा इवेंट था उसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्सास स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के साइड में नहीं है, वो एक डेमोक्रेट स्टेट माना जाता है। और अभी ट्रंप साहब का फिर से एक इलेक्शन टाइम आ गया है और उन्हें चाहिए था कि टेक्सास के मेजॉरिटी वोट्स उन्हें मिले। और उसके लिए ये एक ऐसा भी इवेंट था कि सारा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट और मे बी वहाँ के जो NRIs थे या कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी, उन्होंने किया था। नाम के ऊपर तो वो नरेंद्र मोदी जी की सभा थी, सारा खर्चा हम लोग ने किया था। तो इस सभा का पूरा खर्चा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जो खर्चे दिखाए जाते हैं उसमें नहीं आएगा, लेकिन इसका उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेनिंग करना भी था। अगर आपने मोदी जी का भाषण ठीक तरह से सुना होगा तो आपको ज़रूर याद होगा कि इंग्लिश में जो उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की थी, और उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया। सारे लोगों को उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम जब मैं अमेरिका आया था तब डोनाल्ड ट्रंप जी ने मुझे उनकी फैमिली से मिलाया था और उन्हें भी मेरी फैमिली से मिलना था, मतलब मोदी जी की फैमिली से मिलना था। तो मोदी जी ने कहा कि ट्रंप साहब, आज मैं आपको मेरी फैमिली से मिलाता हूं। और उन्होंने कहा, ये है मेरी फैमिली, ये यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग और मेरे देखने वाले तमाम लोग जो है वो है मेरी फैमिली। उसके बाद जमकर तारीफ करने के बाद मोदी जी ने कहा कि भारत और US अब बहुत ही घने मित्र बनने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी समझौता करने से या कोई भी निगोशिएशन करने पे उन्हें बहुत ही आसानी होती है। तो अगली बार जब मैं USA आऊँगा तब मैं चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही मेरी निगोशिएशंस हो। तो उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी का जीतना बहुत ज़रूरी है, डोनाल्ड ट्रंप का फिर से एक बार प्रेसिडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया और लोगों से वो बुलवाया
कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार मोदी सरकार का करिश्मा तो आप देख चुके हैं भारत में, लेकिन अब देखना यह है कि क्या यही कार्ड अमेरिका में चलता है या नहीं। टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी जीत कर आती है, मतलब मेजॉरिटी वोट्स ट्रंप को मिलते हैं या नहीं। मुझे तो ये जो प्रोग्राम मैंने देखा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये कंट्री किसकी है, ये यूएसए में चल रहा है या इंडिया में चल रहा है। सब जगह पे मोदी ही मोदी हावी थे, सब ट्रंप के साथ सारे सेनेटर स्टेज पे खड़े थे और मोदी ने बाहुबली जैसे एंट्री ली, सबको हाथ हिलाते हुए, गूंज उठ रही थी स्टेडियम में सब जगह पे मोदी मोदी की। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका की तारीफ करना शुरू कर दिया। इसका कारण ये है, मोदी जी को क्या पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेनिंग करने की। अभी इंडिया में भी तो इलेक्शंस है, वहाँ पे भी उन्हें रैलीज निकालनी है, सभाएं लेनी है, तो ये अमेरिका में क्यों पहुँचे। जाहिर है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग कहेंगे कि ये साला तो हमारे पैसे से फॉरेन ट्रिप करके आता है, लेकिन उसके पीछे जो सियासत है, जो दांव पेच है, वो जनरल लोग नहीं जानते। कारण ये है कि अगर ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप जीत कर नहीं आए, रिपब्लिकन पार्टी अगर हार गई और डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई, तो आने वाला जो प्रेसिडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आने वाला जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के साइड से नहीं है, वो उन लोगों के साथ है। उन लोगों के मतलब आप तो जानते ही होंगे, अरे हाँ भाई, वही इंटरनेशनल भिखारी कटोरे वाले, उन लोगों के साथ है। तो अगर वो आ गए तो शायद इंडिया और यूएसए में आज जितने मोदी जी ने कम से कम 120 से भी ऊपर समझौते किए हैं, नेचुरल गैस और बाकी हर एक क्षेत्र में समझौते करके आए हैं, वो शायद इतने आसानी से नहीं हो पाएंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये जो कैंपेन, ये जो सभा जो ली थी, हिंदी में जो भाषण किया था उन्होंने, तो वहाँ के लोगों को इंडिया के बारे में ही बताया उन्होंने, बीजेपी ने क्या क्या किया है और इंडिया के फ्यूचर विजन्स क्या है और आगे हम जाके क्या करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे वगैरह वगैरह, आर्टिकल 370 की भी बात की, और ये सारी बातें उन्होंने हिंदी में की। ऑफकोर्स ट्रांसलेटर के ज़रिए सारे के सारे सीनेटर्स और डोनाल्ड ट्रंप ये बातें सुन रहे थे, और सबके चेहरे पर एक ऐसी हैरानी थी, एक ऐसी आश्चर्य था कि ये क्या हो रहा है, आज तक न कभी ऐसा देखा है न कभी ऐसा सुना है। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो कहीं अगले इलेक्शन में अमित शाह जी को भी ना बुला ले पूरा इलेक्शन मैनेज करने के लिए, हो सकता है। भैया इंडिया आज बहुत शाइनिंग पे है और कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया बहुत ही तेज़ी से आगे जा रहा है और इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन आज का विषय हमारा ये है कि ये जो ह्यूस्टन की जो सभा थी उसके बारे में। अब ये सभा इतनी सक्सेसफुल हो गई कि जाहिर है कि हमारे यहाँ कांग्रेस और कुछ वामपंथी लोग हैं और कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके पेट में तो दर्द होना ही था। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दे दिया कांग्रेस की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, मतलब कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ में $500-500 दे के लोगों को इकट्ठा किया गया था। अबे फटी जरो, $500, ये क्या ₹500-500 देने के जैसी बात है? ₹35,000 दे के कोई किसकी औकात है 50,000 लोगों को, हर एक को ₹35,000 दे के बुलाने की? नॉट नेसेसरी। और वहाँ पे तो इस शो के लिए टिकट्स भी रखे थे, लोगों ने टिकट खरीद खरीद के आए हैं, ओवर हाउस फुल हो गया था, 15,000-20,000 लोग बाहर खड़े थे जो मेगा टीवी के ऊपर इवेंट देख रहे थे। तो सबसे पहले तो ऐसे फटीचर और थर्ड क्लास स्टेटमेंट कांग्रेस और पाकिस्तान ही दे सकते हैं। उधर चाइना ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि ये कोई बड़ा नहीं है और भारत और चीन के रिश्ते में इससे कुछ टकराव हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन लोगों की बातें सुननी नहीं चाहिए कि ये दो फटीचर कंट्री वर्ल्ड के, चाइना है और ये है। चाइना है वो तो छोड़ दो यार, वो लोग तो हमारे यहाँ रास्ते पे चाइनीज़ के गाड़ियों पे फ्राइड राइस बनाते हैं, तो उनकी बात तो छोड़ दो। लेकिन रशिया ने और बाकी सारे कंट्रीज़ ने इतनी पॉजिटिव रिएक्शंस दी है क्योंकि इसमें
एक बहुत ही अहम मुद्दा मोदी जी ने उठाया कि दहशतवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई लड़नी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी जिसका नेतृत्व भारत करेगा। उनका इशारा जाहिर था सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ, आईसिस की तरफ और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए मुस्लिम आतंकवाद की तरफ। तो उसके लिए जर्मनी, इजराइल, रशिया, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब के रिएक्शंस इतने ज़बरदस्त थे, सब लोग बहुत ही खुश है। इजराइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले प्रधानमंत्री जो उनके थे उन्हें प्रति मोदी कहा जाता था, लेकिन अब जो इजराइल के प्रधानमंत्री जो आए हैं उन्हें प्रति योगी कहा जाता है। तो वो तो नाच रहे थे कि अब तो बैंड बच गया दहशतवाद का, आतंकवाद का बैंड तो बच गया अभी। तो चलिए, ये जो पेट में दर्द करने वाले जो सेलिब्रिटीज है उनके अलावा कौन कौन से सेलिब्रिटीज ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, आप सिर्फ देख सकते हैं। दुनिया के दो बड़े लीडर्स और दो बड़ी डेमोक्रेसी के प्रमुख एक साथ एक मंच पर देखना ऐतिहासिक और शानदार पल है। ट्रंप ओवर ट्रंप, हमने ऐसा बस सपने में ही सोचा था, जिसे आपने सच कर दिखाया। जय हिंद। अकेले हम एक बूंद है पर साथ मिलकर हम महासागर है। हाउडी मोदी इवेंट में लोगों का समुद्र था, सागर था, महासागर था। सलमान खान, दो देशों के बीच हुई इस महान साझेदारी को बहुत आगे जाना है। अनुपम खेर, हाउडी मोदी में सब कुछ अद्भुत था। पीएम नरेंद्र मोदी जी, आप रियल रॉकस्टार हो, होने भी चाहिए यार। माइकल जैक्सन, मैडोना के रिकॉर्ड जो तोड़े हैं वहां पे भीड़ के। हाउडी मोदी, गो मोदी, गो ट्रंप, ह्यूस्टन यूएस, हमारे होने का गर्व, समुदाय का गर्व, भारत का गर्व, ये आश्चर्यजनक है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। मुझे गर्व हो रहा है ये देखकर कि पूरी दुनिया इस अद्भुत भाषण को देख रही है, न कि सिर्फ पूरी दुनिया, 600 अरब लोगों में से कम 200 अरब लोगों ने दुनिया के ये शो लाइव देखा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी का एक करिश्मा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये अनिल कपूर जी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी की अविश्वसनीय कूटनीति ने अमेरिकी लोगों के दिल और दिमाग को पान लिया है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज वेरी टफ निगोशिएटर, वेरी वेरी टफ निगोशिएटर, और मोदी ने भी जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक मांझे हुए खिलाड़ी है निगोशिएशन के बारे में। अरे यार, मोदी टफ निगोशिएटर है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, गुज्जू भाई है भाई। एक छोटे सा चुटकुला सुनाता हूँ उसके ऊपर। एक बार एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचर ने सबसे कहा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है ये मुझे बताइए, जो सही आंसर देगा उसे मैं 100 रुपया दूंगी। तो बहुत सारे बच्चे थे, क्रिश्चियन बच्चे थे, उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट है, तो उनको 100-100 रुपये दिए गए। अब बारी आई हमारे गुज्जू भाई की। उसको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैडम जीसस क्राइस्ट है। मैडम ने कहा, अरे तुम तो हिंदू हो, गुजराती हो, तो तुम्हें तो कृष्ण बोलना चाहिए, तुमने जीसस क्राइस्ट कैसे कहा? उस बच्चे ने जवाब दिया, मैडम ये तो मुझे पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली भगवान भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन क्या है, सवाल धंधे का है। तो मोदी जी के साथ निगोशिएशन करना बहुत ही कठिन है, ऐसा ट्रंप ने कहा था, ऐसा हम भी कहते हैं। तो अगर आपने आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें मैंने ले ली थी इंटरनेट से, आप देख सकते हैं जो क्राउड, चला हमारे यहाँ क्रिकेट मैच में फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसे क्राउड होते हैं, 50,000 लोग कहाँ होते हैं यार, सिर्फ ईडन गार्डन की कैपेसिटी है उतनी। आपने अगर इस भाषण को नहीं देखा होगा तो YouTube पे आप ज़रूर देखिए, ये भाषण सुनने जैसा है, देखने जैसा है और अनुभव करने जैसा है। सो हाउडी मोदी, ऑल वेल। मोदी जी ने बहुत सारे लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस में कहा सब कुछ कुशल मंगल। तो भाई साहब, सब कुछ कुशल मंगल, मैं भी आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही डियर जिंदगी के अलग अलग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।